नमस्कार, वार्तालाप टीवी में आपका स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। संगम पर लगने वाले माघ मेले का दूसरा स्नान पर्व पौष पूर्णिमा का होता है। प्रतापगढ़ की पावन धरती पे बसने वाले तंबुओं के शहर में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह 2:45 से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी है। घाटों पर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोक कल्याण का यह पर्व पितरों की पूर्णिमा का पर्व होता है। पौष पूर्णिमा पर त्रिवेणी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद लोग संगम तट पर दान पुण्य भी कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ मेले में 33 कोटि देवी देवता भी आज से प्रयागराज के पावन भूमि पे पूरे एक माह तक संगम में वास करते हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में श्रद्धालु स्नान कर आज से कल्पवास का संकल्प ले रहे हैं। माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। घाटों पर डीप बैरिकेटिंग की गई है। NDRF SDRF के साथ साथ जल पुलिस की तैनाती भी की गई है ताकि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में ना जा सके। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। माघ मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा एंट्री गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। साथ ही साथ जगह जगह कैंप लगाकर श्रद्धालुओं के हाथों को सैनिटाइज कर उन्हें मास्क दिया जा रहा है। संगम में स्नान कर रहे जिन श्रद्धालुओं के मास्क नहीं मिल रहे हैं उन्हें सिविल डिफेंस की टीम द्वारा मास्क भी वितरित किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में CCTV और ड्रोन कैमरे की नज़र से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। आने और जाने के लिए एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो सके।